लेकिन जो कंटिन्यूस फ्लोर रहता है ना वेल्डिंग का, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। 7.5 HP मतलब 5000 वाट आप इस पे आप चला सकते हो। अगर आपका वेल्डिंग मशीन 100 एम्पियर का है, जो छोटा वाला हैंडी रहता है, तो उसके अंदर आपका 12 नंबर रॉड अगर, ठीक है, उसके अंदर बड़ा रॉड चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो वेल्डिंग मशीन का कैपेसिटी नहीं होता। तो 12 नंबर रॉड हम लोग रेकमेंड करते हैं, अगर आपको टाका मारना है तो आप यूज करो। बाकी कुछ भी रहेगा, ये मेरा नंबर है यहाँ पे, कुछ भी रहेगा आप वीडियो कॉल कर देना। जो हमारा जो है ना वेल्डर, वो कभी कभी मोबाइल लेके आता है एक के लिए, उसको भी चल जाता है एक के लिए, दो के लिए का जो होता है छोटा होता है उस पर भी वो काम करता है। उसके अंदर क्या रहता है, इनबिल्ट वेल्डिंग मशीन रहती होगी। हेलो भाई, अभी आजकल वो भी टेक्नोलॉजी, हाँ चलो, आजकल वो भी टेक्नोलॉजी आई है एसी आउटपुट के साथ वेल्डिंग मशीन। जैसे 2 किलोवाट का आपको आउटपुट मिल जाएगा और बाकी का वेल्डिंग कर सकते हैं। सर एक बार देख लीजिए ना, सही है इसका, आपको आइडिया से ये फैब्रिकेशन कर लेना ट्रॉली, है ना। कोई भी फैब्रिकेटर को बुला देना, 500-600 रुपए लेगा, वो आपको पूरा डिजाइन बना के आपको। नहीं, मेरे फार्म में वो सर के लिए आता है ना। अच्छा, आते हैं वो प्लग आपके हाथ में ना। हाँ, थोड़ा मैंने चिपका के लगा दिया, कभी ब्रेक ब्रेक मारे तो इसके लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। कुछ रहेगा आप मुझे फोन करिए। थैंक यू सर। यहाँ से वो लेफ्ट है, इधर से आप आए ना। हाँ, तो इधर ही जाने सर, थोड़ा बाहर तक फ्री में तक। थैंक यू सर।